हेलो दोस्तों, तो आज हम हैं राजस्थान के जयपुर शहर में, जो कि वैसे तो फेमस है बहुत ही ज़्यादा फोर्ट्स और मॉन्यूमेंट्स के लिए, लेकिन आज हम मॉन्यूमेंट्स या फोर्ट्स में नहीं जा रहे। आज हम जाएंगे, यहाँ से 170 किलोमीटर दूर पड़ता है चूरू जिले में सालासर बालाजी, जो कि बहुत ही फेमस हनुमान जी का मंदिर है, तो आज हम वहाँ चलेंगे। आ जाइए। जयपुर की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, जैसे कि अभी मैं फ्लाइट से आया, उसी तरीके से आप बस या ट्रेन से भी जयपुर आ सकते हैं। उसके बाद जिस जगह हम जा रहे हैं, सालासर बालाजी धाम, जो चूरू डिस्ट्रिक्ट में है, वो यहाँ से 170 किलोमीटर है, जिसके लिए हमारे को अराउंड 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। हेलो गाइस, तो अब हम पहुंच चुके हैं जयपुर से 60 किलोमीटर दूर, तो एक छोटे से टी ब्रेक के लिए यहीं पे रुकेंगे। अब भैया चाय बहुत तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मेरे स्टे पे, जो है सृजन सेवा सदन में, और एक बार चेक इन फॉर्मेलिटीज पूरी करके हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है मेरा लग्जरी स्वीट, जो मैंने वेबसाइट से डायरेक्ट बुक किया है। आप चाहें तो यहां आके भी अपना कमरा बुक करा सकते हैं। ये वाला सूट चूज करने का मेरा रीजन ये था कि ये बहुत स्पेशियस है और साथ में खुद की पर्सनल बैल्कनी भी है। तो अभी मैं बैठा हूँ आदित्य जी के साथ और मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कुछ और बातें इस सेवा सदन के बारे में। तो जी आदित्य जी, सेवा सदन को बने हुए कितने साल हो गए? नमस्कार सर, इस सेवा सदन को बने हुए 10 साल हो गए हैं, और ये जो सेवा सदन है ये सृजन चैरिटेबल ट्रस्ट के नीचे आता है, जो कि सृजन रियल्टी, जो कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, उनके द्वारा सेवा के हिसाब से ये बनाया गया है, ताकि यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आए उनको बढ़िया से बढ़िया सुविधा और कम से कम प्राइस पे मिले। तो वैसे तो मैं अभी आपके लग्जरी सूट में रुका हुआ हूँ, इसके अलावा आपके पास क्या रूम ऑप्शंस और फैसिलिटीज और हैं? जी सर, हम लोगों के पास 5 कैटेगरी है रूम्स की, जिसमें से पहला है डीलक्स, फिर सुपर डीलक्स, फिर लग्जरी, फिर सुपर लग्जरी और फिर लग्जरी स्वीट। इसके अलावा हम अपने सेवा सदन में एक मंदिर है ठाकुर जी का, जिसमें सुबह शाम कीर्तन होता है, फिर अपना रेस्टोरेंट है जिसमें 100 मेंबर आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं, फिर अपने पास बच्चों के लिए प्ले जोन और प्ले एरिया है और पार्किंग की पूरी सुविधा है। तो अब मैं मंदिर जा रहा हूँ, और चार्जेबल बेसिस पे सेवा सदन ने ये गोल्फ कार्ट मंदिर तक छोड़ने के लिए दे रखी है।
180। तो मैं पहुंच चुका हूं सालासर बालाजी धाम के अंदर, और जितना अभी तक मुझे इस मंदिर के बारे में पता चला है कि ये भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें हनुमान जी की प्रतिमा के ऊपर दाढ़ी मूछे हैं। इस बात को और अच्छे से जानने के लिए अंदर चलते हैं और पूछते हैं। जय श्री बालाजी। मैं पुजारी परिवार का एक सदस्य मानदार पुजारी हूँ। सालासर बालाजी की स्थापना संत श्री मोहनदास जी महाराज ने की थी और उन्होंने यह तपस्या की और मोहनदास जी महाराज से उनका साक्षात्कार हुआ। ये मूर्ति जो बालाजी की है वो आसोटा ग्राम है, सुजानगढ़ और लाडू के पास में, वहाँ से ये मूर्ति आकर के यहाँ विराजमान। और जैसे जैसे भक्तों की कामना पूर्ण होती गई वैसे वैसे यहाँ भीड़ बढ़ती। उनको दर्शन दिए थे कि भाई मेरे बालाजी कैसे थे, तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपके बालाजी कैसे थे, तो उनके दाढ़ी मूछ हाथ में कमंडल वगैरह थे, तो उन्होंने एक जिस रूप में दर्शन हुए तो वो कल्पना करके और बालाजी का ये रूप लिया है कि ये दाढ़ी थी, ये मूंछ थी, ये था मेरे बालाजी, तो ये इकलौता रूप सालासर में ही। अगर सालासर बालाजी आता है तो आसपास और कौन से ऐसे मंदिर या जगह हैं जहाँ लोग जाते हैं या जाना चाहिए? नहीं, जाना तो सभी देवस्थान जहाँ भी बने हुए वहाँ जाना ही चाहिए, लेकिन यहाँ आपके पास में बगल में जैसे सुधारगढ़ तिरुपति बालाजी का अच्छा मंदिर है, यहाँ से सरदार चंद मंदिर में अच्छा बहुत बड़ा इच्छा बहुत बालाजी का मंदिर है, यहाँ सालासर के पास में अंजनी बाई का मंदिर बहुत बढ़िया है, ये खाटू श्याम जी मंदिर है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा मंदिर है। तो सालासर बालाजी धाम के बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए हैं और पंडित जी से भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। आइए वापस चलते हैं सेवा सदन। तो 11 बजे मैं यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ, उससे पहले जल्दी से नाश्ता कर लेता हूँ मैं। ये जितना भी आप नाश्ता देख रहे हैं ये 150 रुपये में सर्व होता है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेरा कल का दिन बहुत ही शानदार रहा, मैं कल सालासर बालाजी धाम जाकर आया और मुझे बहुत ही अच्छे से दर्शन करने को मिले। इतना लंबा सफ़र करने के बाद थकान ज़रूर हो गई थी, लेकिन मेरा स्टे जो है सीजन में वो बहुत ही कंफर्टेबल रहा। इस सेवा सदन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, बुकिंग के लिए आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं।